पापा जी क्या आफत आ गई? अबे आफत को छोड़, पहले हथौड़ा दे। हथौड़ा? ये इमरजेंसी थी इसीलिए आपने मुझे यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के बुलाया? अबे जल्दी से दे, नहीं तो नीचे पानी की गंगा बह जाएगी और तेरे सर से खून की जमना। हो क्या रहा है? परसों शाम को सिमरन मम्मी जी के साथ यहाँ पर सबके लिए डिनर बनाने वाली है, इसलिए मम्मी जी को यहाँ सब कुछ टिप टॉप चाहिए। तुझे और माया को भी इनवाइट किया है। पर मम्मी जी तो अपने किचन में किसी को हाथ भी नहीं लगाने देती। अब सिमरन की बात ही कुछ खास है ना। इतनी भी कोई खास नहीं है। एक्चुअली माया ने भी कई बार इस किचन में खाना बनाया है। फट्टा ना मार। अरे सच बनाया भाई। मम्मी जी ना माया को किचन में घुसने भी ना दे। तुझे क्या पता ठुल्ले। ठुल्ला किसे कह रहा था? पागल हो गए क्या? लड़ क्यों रहे हो? कानून से सबूतों पे यकीन करता है। पापा जी अब आप ही बताइए, माया को कभी मम्मी जी ने किचन में घुसने दिया है? अबे मुझे नहीं पढ़ना तुम दोनों की पॉलिटिक्स में। और तुम दोनों की माँ अगर माया से ज्यादा सिमरन को पसंद करती है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ भाई? ऐसा किसने कहा? तेरी माँ ने और किसने? अबे अब सबके सामने कह मत दियो, नहीं तो नाश्ते की टेबल पे मेरा सर खा जाएगी सॉस में डुबो डुबो के। पर मम्मी जी ने ऐसा कहा क्यों? ये तो होना ही था। मम्मी जी और सिमरन रोज बातें करते हैं, दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स जो है, है? क्यों पापा जी? कभी कभार तो डॉली और सिमरन पूरे दिन गुजर पुजर करती रहती है, करती रहती है। कितना सुकून मिलता है मेरे कानों को। बड़ी प्यारी है सिमरन। Bum 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 b